जी बिगड़ी साहब, बिगड़ी साहब आपकी आवाज आ रही है? अगर आप मेरी बात जी, मैं देखिए आपके जो सवाल है कि क्या ऐसी चीज है कि गजा के जो मासूम फलस्तीनी हैं वो अभी तक उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो पिछले 75 सालों के अंदर वो इसी दुश्मन को फेस करते हैं, उनके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को किसी सूरत भी जो है वो लूज करना नहीं चाहते, और वो ये चाहते हैं कि उनको एक आजाद फलस्तीनी मुल्क के जिसके साथ वो जिनके शुरू से उसकी एफिलिएशन है वो उनको मिलकर रहे, तो लिहाजा एक मोटिवेशन है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस की बात है, और ये वहां के जो लोकल्स हैं उनके लिए ये इंतहाई मोटिवेशन की बात है। ये ऐसे ही है जैसे कश्मीर की जो 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 मूवमेंट है, कश्मीर की मूवमेंट जो है उसमें भी अगर आप देखें तो पिछले 75-76 सालों के अंदर वो जिस तरह से अभी तक अपनी कुर्बानियां देते रहे, इसी तरह फलस्तीनी भी अपनी कुर्बानियां देते चले आए। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए गजा ने बाहर से किसी जो है वो फौजी की किसी की मदद नहीं मांगी है, बल्कि वो अपने तई ये सब कुछ कर रहे हैं। वहां की जो माएं हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो तमाम एक ही मकसद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।